गाड़ी तो ये पिछले 3 साल से तू मेरा दोस्त है, आज तक साफ नहीं दिखी। लोग पीठ पीछे बहुत बातें करते हैं। हाँ अभी गाड़ी ठीक कराया हूँ, कितने पैसे लगाए मेरे पास? सच बोल, कितने पैसे? फ्रंट पे जाऊँ? अच्छा, ओ यार क्या बात है, सलमान भाई ने तो खर्चे किए यार। गाड़ी जरा गंदी है, रास्ता मत जाओ जरा सा, क्योंकि सब इस गाड़ी तो ये पिछले 3 साल से तू मेरा दोस्त है, आज तक साफ नहीं दिखी। कैसी लगी है ये यार व्यूवर्स, क्या गाड़ी है यार। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएं अच्छा लग रहा है कि नहीं। माशाल्लाह मुझे नजर ना लग गया ना इसमें क्या माशाल्लाह इसमें क्या क्या है माशाल्लाह बोले बंदा दाना दी बात करो तो सो व्यूवर्स हम लोग जा रहे हैं जिम, आज हमारा विंग्स डे है, आज हमारा विंग्स डे है, विंग्स डे। सो व्यूवर्स लेट्स गो। क्यों दिल खफा है तुम्हारा? नहीं अभी कह रहे थे ना कि सारे कजन गए हुए हैं, मैं रह गया नारान। सो व्यूवर्स को किसी ने मुंह नहीं लगाया, फिर नहीं आया नारान। वो तो गया था ना, लेकिन जिन नहीं आ गए दोस्तों। लेकिन व्यूवर्स ये कजन इसके गए हुए नारान, इसको मुंह नहीं लगाया किसी ने, इसलिए रह गई है। हंसते चेहरे का मतलब ये नहीं होता कि उनको कोई तकलीफ नहीं होती। तो मोबाइल को यहाँ से फेंक सकते हैं आप, ये जाएगा तो नहीं आएगा। आज हम लोग विंग्स लगाएंगे। बगल क्यों बता रहे हैं इसे? ये विंग्स है ना, लोग पीठ पीछे बहुत बातें करते हैं। हाँ तो अपनी बैग मजबूत रखनी चाहिए इस वजह से। रखेंगे ना शुरू में, खुदा हाथ पकड़ो ना, तंग ना पकड़ो, माल में तेरे बाप को मत सिखा चल। ये दो भी लगा सक रहा हो, कहता बैग मजबूत करना, कुछ भी नहीं यार मैं तो मजाक कर रहा था। नहीं कुछ जोर लगाते हैं, जोर से नहीं, इसका चैलेंज करते हैं पुलअप्स का, 15 पुल दुखी है ना खुद को मेरे, इसके पीछे व्यूअर्स में एक मीम लगाऊंगा। चल लगा शाबा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 गिर रहा हूँ। चले मैच ये ही हो सो गाइस, तो ये हार गई है, तो अब इसको मुझे रात को एक मैकडॉनल्ड की आइसक्रीम खाने के लिए। जाना विंग्स की मशीन लगाना ना, तू मैं ही लगाऊंगा क्यों? ये तो ऐसी लगा, मैं भी ऐसी लगाऊंगा। तू लगाए मैं ना लगाऊंगा, टाइम नहीं है ना यार। अगर हाँ मैं लगाऊंगा अपने, तू तो क्यों लगाएगा? तो तू ही लगाए मैं भी लगाऊंगा यार, अजीब बंदे आप भी लगा। चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। जो मैं करूंगा वो तू भी करेगा? हाँ वो करूंगा। सो व्यूअर्स ये हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज है, बैक। हाँ क्या 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 यार, लास्ट है ना, ये आखिरी है ना, तो तेरा दूसरा भी है। मेरा आखिरी है, दूसरा है, आखिरी है, दो से स्टार्ट किया। अच्छा मेरा तीसरा हो गया ये, मेरा भी आखिरी हो। So guys, इसका बैग चेक करें, मैं कमीज उठा के आपको बता। अबे साले छोड़ ना। ये टार्जन है हमारे जिम का। ये क्या कर रहे हैं सर भाई? क्या बच्चों को तंग करने आया है यार तू?
ये क्या कर रहा था तू उसके साथ? यार ये तो ब्लॉग भी नहीं बता सकते। फुरकान भाई लगाए लगे क्या स्ट्रेचिंग, बैक की स्ट्रेचिंग करने लगे, तो आपको आज तरीका बताएगा बैक स्ट्रेचिंग का तरीका फुरकान भाई। जरा जो नए नए जिम शुरू कर रहे हैं उनको तरीका बताएं कि वो स्ट्रेचिंग किस तरह कर रहे हैं। शुरू से बताया ना कि रॉड के साथ पकड़ते हैं वो किस तरह, कितना कितना वो करना है गैप देना है। अच्छा मैंने सुना पीछे पीछे डिग्गी निकालनी है, डिग्गी देखें इस तरह की डिग्गी निकालनी है। अच्छा कमर को स्ट्रेट करना है। अच्छा पीछे पीछे उसकी कमर की। अच्छा फिर ठीक है, कमर की बहुत शेप आ रही है। सो व्यूअर्स अभी हम लोग लगाएंगे आर्म रेसलिंग करेंगे आर्म रेसलिंग। अब आसान से जहाँ स्ट्रेट पहले फोन नहीं करना स्ट्रेट स्ट्रेट वन टू एक हाथ भी पकड़ा हुआ है। बड़ा क्या हूँ, दोनों एक ही वेट लगाते हैं। वेट नहीं मसल की बात है ना, आम की बात है, आम तेरा ज्यादा मुझसे वो है स्ट्रांग है। अब ना लाइन पे देख आप समझिए बॉस हूँ मैं यार, मैं तो खुश होता हूँ तुझे पता है बंदे साथ यार जारी कितना जबरदस्त दोस्त है।